नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। अंडे खाने का प्रचलन बहुत अधिक आज के सभ्य समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके कई सारे कारण हैं। घर में सुबह के समय ऑफिस जाने की बहुत जल्दी रहती है, सभी को लेट उठते हैं और देर होने के कारण से सबसे आसानी से जो ब्रेकफास्ट मिल पाता है वो अंडा रहता है। या आप जिम करते हैं तो जिम में भी युवाओं को केवल एक ही बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप जितने अंडे खाएंगे उतने आपके मसल्स बनेंगे, क्योंकि अंडों में प्रोटीन ज़्यादा होता है ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझाया जा रहा है। लेकिन किस अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है और किस अंडे को खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा, यह भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अंडे खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभकारी हैं और कितने हानिकारक हैं, इस बात को आप समझिए और इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। अंडों के अंदर जो प्रोटीन होता है, सबसे पहले तो जो आप अंडे खाते हैं ये फार्म के अंडे, फार्मिक मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनको जो आहार खिलाया जाता है वो पूरी तरह से हॉर्मोन्स युक्त होते हैं, जिससे इनके इन मुर्गियों के साइज में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और वही हॉर्मोन्स की मात्रा इनके अंडों में आती है जो आप तक पहुंचा दिए जाते हैं जिनको आप लोग खाते हैं। इसी कारण से कम उम्र में ही आज बच्चों में अचानक से ग्रोथ आप देखते हैं, ये सब हॉर्मोन्स का कारण है। अनियंत्रित हॉर्मोन्स इन सब का बहुत बड़ा कारण है। आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाकर और 10-15 अंडे खाते हैं तो उससे आपके मसल्स तेज़ी से ग्रोथ करती है, वास्तव में करती है। लेकिन वह इसी तरह से आपकी बॉडी में काम करते हैं खाए हुए अंडे, जैसे आप बीमार होने पर एंटीबायोटिक खाते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, आपको तुरंत खड़ा कर देती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार से जो अंडे आप खाते हैं इनमें हॉर्मोन्स रहते हैं, क्योंकि मुर्गियों को हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, जो मुर्गियों को फीड किया कराते हैं उनको हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, वो हॉर्मोन्स अंडों तक आप तक पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों ऑक्सीटॉक्सी के इंजेक्शंस पशुओं को दिए जा रहे थे और उसकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार हुई थी कि ये दूध आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि जो गाय को इंजेक्शन दिया जा रहा है वो हॉर्मोन्स दूध के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। लेकिन कभी अंडों के बारे में कोई बताने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग सुबह का ब्रेकफास्ट अंडों से ही करते हैं, इसलिए वो कभी सोच ही नहीं पाते कि हम क्या खा रहे हैं और हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अपने बच्चों को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। तो आज ये वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों तक पहुँचाई है कि आप लोग इस पर विचार करें कि आप जो सुबह के समय ब्रेकफास्ट में अंडे खाते हैं वो अंडे आपको प्रोटीन दे रहे हैं या आपके हॉर्मोन्स को बिगाड़ रहे हैं, जिसके बिगड़ने से बच्चों में चिड़चिड़ापन, अनियंत्रित ग्रोथ, छोटी छोटी लड़कियों में बहुत जल्दी उम्र से पहले ही मासिक धर्म का आ जाना, ये सब हॉर्मोन्स के बिगड़ी हुई स्थिति है जिस कारण से ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इनका कोई इलाज नहीं है। जब तक आप अपने खान पान को ठीक नहीं करेंगे आपका ठीक रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये वीडियो आज मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जो अंडे आप खा रहे हैं वो प्रोटीन आपको उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स जा रहा है, आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स, और जो आपकी बॉडी में रोगों को उत्पन्न कर रहा है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और न जाने कितने कम उम्र में ही ऐसी प्रॉब्लम से आप घिर जाते हैं जिसके लिए आप तरह तरह के इलाजों को करते रहते हैं लेकिन कोई इलाज ठीक नहीं हो पाता। तो जब तक आप अपने खान पान को ठीक नहीं करेंगे आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर जो अंडे खाने के लिए आयुर्वेद में भी आता है, अगर रोग की दृष्टि से किसी व्यक्ति को अंडे दिए जाते हैं तो वो अंडे होते हैं देसी मुर्गी के अंडे, जो मनुष्य के द्वारा पाली नहीं गई हो,
आयुर्वेद कहता है आप उस जानवर उस जंतु का प्रयोग कर सकते हैं अपने आहार में जो जो पालतू न हो, जिसको पाला गया है, जिस पर मनुष्य ने अपनी कारीगरी कर दी, वो चीज़ बिगड़ जाती है। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने बच्चों को आप क्या खिला रहे हैं इस पर थोड़ा सा चिंतन करें, अपने आप क्या खा रहे हैं इस पर विचार करें, क्योंकि ये शरीर की आयु लगभग 100 वर्ष होती है, 40-50 साल इसको आप कितना भी रफ यूज़ करते हैं ये फिर भी चलता रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा इस पर थोड़ा सा विचार करें। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।